Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, इस lesson के अंदर मैं आपको 3D की पहली command बताने जा रहा हूं। मकसद 3D को start हम कहां से करेंगे, basics इसकी commands क्या है, functions क्या होंगे, shade की option क्या होगी, 3D orbit वगैरह क्या चीजें होंगी, ये तमाम हम इसी lessons के अंदर देखेंगे। तो start कर लेते हैं lesson। तो AutoCAD अपने पास आप open कर दें, मैंने AutoCAD open कर दिया, units वगैरह confirm कर लें dear students, आपके units ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो start करता हूँ मैं अपना lesson। तो देखिए students, मैं आपको draw में से text तक लेकर गया था, ठीक है, यानी कि आप text तक आए थे। अब उसके बाद नीचे आ जाए आपके पास सर्फिस आ जाता है और ये इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है ये है रिवॉल्व सर्फिस। तो मैं यहां से अपना स्टार्ट करूंगा 3D का। अब नाम से जाहिर है रिवॉल्व, यानी किसी भी चीज को रिवॉल्व कर देना, घुमा के वापस 360 के ऊपर ले आना, वो शेप आपके पास बन जाती है। अब इस काम के लिए क्या करेंगे, आप अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर दें। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक सीधी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहां पर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कि मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दिया, यहां पर एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया और ये तीसरा पॉइंट दे दिया, ये मेरे पास मेरी आर्क बनी आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स, मैं ड्रॉ के अंदर जाऊंगा, सरफेस के अंदर चला जाता हूं, रिवॉल्व सरफेस के ऊपर चला जाता हूं। अब कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आप 3D कन्वर्ट करना चाह रहे हो, रिवॉल्व करना चाह रहे हो, उसको आप सिलेक्शन दे दें। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं रिवॉल्व करना चाहूंगा, सिलेक्शन दे दी है। अब कहता है डिफाइन करें किस एक्सिस के एरिया आप इसको रिवॉल्व करना चाह रहे थे। तो मैंने इसको एक्सिस दे दिया, यानी कि पॉइंट्स बता दें, टारगेट बता दें, मैंने इसको दे दिया। अब कहते हैं स्टार्ट एंगल बताएं क्या है, तो आप इसे एंटर कर दें, कुछ भी ना टाइप करें। कहता है इंक्लूडिंग एंगल, तो इसको भी यहां पर भी कुछ भी ना टाइप करें, आप एंटर कर दें। जैसे आपने एंटर किया, आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, देखिए एक शेप बनी हुई आ चुकी है। सबसे पहली बात यह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको दाएं बाएं घुमा कर देखें तो ये आपको परफेक्ट नजर आएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आपको ठीक नजर नहीं आ रही शेप बनी हुई क्या है। आप टॉप से जाकर देखें तो आपको ये कुछ शेप ऐसे नजर आएगी, लेकिन मसला यह है मैंने इस व्यू से देखना है ये चीज क्या है। अब किसी भी टूल बार के ऊपर क्लिक करें, आपने क्लिक किया तो हमारे पास यहां पर होती है ऑप्शन शेड की, तो देखें ये राइट क्लिक आपने कर देना है। यहां पे आप राइट क्लिक करें, यहां पर राइट क्लिक कर सकते हैं, यहां पे राइट क्लिक कर सकते हैं, सॉरी, और यहां पे कर सकते हैं आप, अपने पास कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं, और ये इसमें से आपने निकालना है शेड, तो मैंने ये शेड निकाल दिया, मैंने निकाला शेड, ये आपके पास आपका शेड आ चुका है। अब माउस को ब्लू एरिया के ऊपर जाएं, इसको होल्ड रखें और थोड़ा सा उठाकर नीचे ले आएं। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहां पर आप क्लिक कर दें, यह आपके पास 2D वायर फ्रेम आ जाता है। नेक्स्ट आप यहां पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपके पास यहां पर 3D वायर फ्रेम आता है। अब इन दोनों क्लिक्स में फर्क क्या है, ये मैं आपको बताता चलता हूं। अगर आप यहां नजर डालें तो देखिए आपके पास ये 2D वायर फ्रेम है, उस तरह से टेक्स्ट को अगर आप गौर से देखें। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा, अपने एक्सिस देखिएगा और इस शेप को देखिएगा, ये देखिए शेप चेंज हो चुकी है और एक्सिस को देखिए, मेरे पास ये कलरफुल आ चुके हैं। बहरहाल ये आपके पास ये है, खास डिफरेंट नहीं है कुछ इसके अंदर, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट शेप के ऊपर क्लिक कर देते हो, ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखें यहां पर कुछ चेंजिंग हुई है। देखें यहां पर ये जो आपकी लाइन थी इसका कलर मैंने कर दिया रेड, अब देखिए रेड कलर आपको एंड तक नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो देखा बाकी तमाम का तमाम आपके पास रेड जो है वो छुप गया है। फिर देखिए अब रेड नजर को नजर आधा नजर आ रहा है, और ऐसे ही उसे क्लिक करता हूं तो देखें ये आपके पास आधा छुप गया है, क्यों, इसके ऊपर ब्लैक कलर आ चुका है, इसको आप ये समझे इसके ऊपर ब्लैक कलर आ गया है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैट शेड, जैसे आप इधर फ्लैट शेड के ऊपर क्लिक करते हो डियर स्टूडेंट्स, देखें आपके पास एक शेड नुमा शेप बनी हुई आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ग्राउंड शेड, जैसे ग्राउंड शेड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे आपके पास ये स्मूथ होने की कोशिश करेगा, अपने आप को गुलाई करने की कोशिश करेगा लेकिन हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है फ्लैट शेड लेकिन एजेस के साथ, जैसे आप क्लिक कर देते हो देखें ये आपके पास फ्लैट शेड आया, एजेस क्या मराद है, ये जो लाइनें हैं पहले आपको नजर नहीं आ रही थी, अब देखें अब नजर नहीं आ रही थी जब किधर गए हैं, यहां पर आप देखें बॉक्स के ऊपर भी कलर लाइनें वगैरह बनी हुई है, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये तमाम शेड नजर आ रही है। इस तरह से ग्राउंड शेड है, यहां पे ग्राउंड शेड को देखें और इस ग्राउंड शेड को देखें, यहां पर आपको ये लाइनें नजर आती हैं। अब ये लाइनें करती क्या है,
ये बेसिकली आपके एजेस होते हैं, यानी कि आप किसी भी एज को, जैसे मैंने इस कॉर्नर को पिक किया यहाँ से, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, और इस तरह से इसको मैं इधर ले जाता हूँ, और इसको आप दाएं से बाएं भी मूव कर सकते हो। ये देखिए आप इसको मुख्तलिफ साइड से मूव कर देते हो। अब अगर अपने शेप को आप मूव करके देखें तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखें ये, और देखें क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस को कहीं भी मूव किया जा सकता है पकड़ के। आप इसको पकड़ें कान से तो आप इसको किसी भी कॉर्नर पे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन दे, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब फिर देखें, दोबारा से बता रहा हूँ आपको बनाना। आप ड्रॉ के अंदर जाओगे, सरफेस में जाएंगे, रिवॉल्व सरफेस में जाए, आपने इस शेप को रिवॉल्व करना है, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना है 0 to 360, आपके पास ये शेप बनी हुई आ जाएगी, यानी कि दो मर्तबा आपने एंटर करना है। फिर देखिएगा, रिवॉल्व में जाएं, पहला क्लिक और दूसरा क्लिक, दो क्लिक कर दिए, अब एंटर एंटर, दो एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास 3D शेप बना हुआ आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पे अगर मेरे पास एक सिंपल लाइन होती तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये मेरे पास लाइन है, मैं ड्रॉ के अंदर क्या, सरफेस पे क्या, रिवॉल्व पे क्या, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, इंटर और इंटर, देखिए मेरे पास एक बॉक्स शेप बनी हुई आ जाएगी। अब इस बॉक्स को चारों तरफ से घुमाकर देखना चाहता हूं तो किसी भी टूल बार के पर एक और राइट क्लिक करें, यहां मेरे पास आता है टॉप वन 3D ऑर्बिट, इसको उठा करके भी एडजस्टमेंट कर लें। अब 3D ऑर्बिट में मेरे पास जो ऑप्शन है 3D ऑर्बिट की, उसका काम क्या, इस चीज को रिवॉल्व कर आपको देगा। देखिए आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, ये अगर आप इधर से आएंगे तो दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, देखिए यहां से आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये क्या है, 3D कंटिन्यू, 3D ऑर्बिट है लेकिन कंटिन्यू के साथ, आप इधर क्लिक कर दें और यहां पर आप इसको दे दें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, आप ये घूम रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जितना आप आहिस्ता क्लिक करेंगे उतना ही आहिस्ता घूमता जाएगा, ये मसलसल कंटिन्यू एनिमेशन रहती है। अगर आप इसको अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्विकली प्रेस करेंगे, यानी कि साथ में माउस को भी मूव करेंगे तो उतना ही तेज जाएगा, अभी आप तक एस्केप लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है जब आप इसको इधर ले आते हो, इसको ओरिजिनल जगह पे कैसे लेके जाना है, पहले टॉप व्यू पे क्लिक करें, ये मेथड अपने माइंड पे कीजिएगा, अपने पास लिखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा मैंने क्या किया। आप टॉप व्यू पे क्लिक करें और उसके बाद आप अपने SW स्टोमेटिक पे क्लिक करें, सबसे ईजी वे है। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब अगर यहां पे मैं पॉलीलाइन उठा लेता हूं और इसको मैंने कुछ क्लिक्स दिए, क्लिक 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 क्लिक, ये मैंने इसको कुछ क्लिक्स दे दिए यहां पे। ठीक है, अब आप ड्रॉ के इधर जाएं, सरफेस पे जाएं, रिवॉल्व सर पे चले जाएं, आप कहते हैं यहां से इसको मैंने घुमाना था इस गियर के 0 से 360 तक, तो देखें 0 to 360 घुमा हुआ ये आ चुका है और ये आपके पास ये शेप बनाएगा। क्यों, मैं इसको अगर डिलीट कर दूं यहां से तो ये शेप जो होगी इस शेप की बेस पे ये आपको शेप बना के देगा। अब ये तो मेरे पास थी पॉली लाइन, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं सिंगल लाइन, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ पॉइंट्स मैंने इसको दे दिए हैं, और चलते हैं ड्रॉ के अंदर, सरफेस के अंदर, रिवॉल्व सरफेस के अंदर, मैंने इस शेप को क्लिक किया और इसके अंदर 0 और फिर एंटर, तो देखें मेरे पास ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ ये एरिया 3D बनकर आया है, बाकी तमाम लाइनें नहीं बनकर आई हैं। क्यों, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर एक क्लिक पे ये लाइन अलग अलग है, डिफरेंट है बीच में। अब अगर आप इसको रीजाइन लगाते हो तो आपको अच्छी तरह मालूम है रीजाइन उस वक्त तक नहीं होता जब तक लाइनें आपस में मिली हुई ना हो। देखिए ये मैंने सिलेक्शन की है, मैंने इसको एंटर किया तो अब ये रीजाइन नहीं हो पाया, अगर इसको मैं बाउंड्री करूं फिर भी नहीं होगा। अब यही शेप यही स्टाइल मुझे ग्रुप करना है, ज्वाइन करना है, अब ये मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, PE कीबोर्ड से आप एक कमांड एंटर करेंगे, PE इसका मतलब है पॉलीलाइन एडिट, ये सामने के नहीं किसी मेन्यू में नहीं पड़ी हुई है, आपको PE एंटर करना पड़ेगा। मैंने जैसे इसको एंटर किया कहता है सिलेक्ट पॉलीलाइन और मल्टी लाइन, ठीक है, यानी कि आप जिन लाइनों को सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आपको एक लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक मरतबा सिलेक्शन होगी, मल्टी लाइन है तो एम प्रेस करें, आपने एम प्रेस किया क्योंकि मुझे एक से ज्यादा लाइनें सिलेक्ट करनी थी, अब आप उन लाइनों को सिलेक्ट कर दें, ये मैंने सिलेक्ट की, एंटर करें, कहते हैं कन्वर्ट लाइन ऑफ टू पॉली लाइन, यस मुझे कन्वर्ट करना है, देन एंटर एन ऑप्शन, कन्वर्ट करने के बाद कहता है क्या करूं,
इनको क्लोज कर दूं, ओपन कर दूं, ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं? जितने भी पॉलीलाइन के इधर ऑप्शन है वो इधर आ गई है। मैं कहता हूं इनको ज्वाइन कर दो, जे एंटर करें, फिर एंटर कर दें, से फिर एंटर कर दें। अब देखें, अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, एंड तक मेरे पास लाइन एक ही हो चुकी है। अब आप ड्रॉ के अंदर आ जाएं, सरफेस रिवॉल्व सरफेस, इस पॉइंट को स्केल के 0 से 360 के। तो देखिए हमारे पास 0 to 360 ये शेप बनी आ चुकी है मेरे पास। मैं इसको डिलीट कर देता हूं अगेन। तो यहां पर आप किसी किस्म की भी शेप बना सकते हैं। अब एक चीज और समझने की जरूरत है, जब आप ड्रॉ के अंदर जाते हो, सरफेस पे जाते हो, रिवॉल्व सरफेस, जैसे आपने रिवॉल्व सरफेस पे क्लिक किया, हमारे पास यहां पर कुछ लिखा होता है सर्फ टैप 1, सर्फ टैप 2। अब ये सर्फ टैप 1 क्या चीज है, सर्फ टैप 2 क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो एक पॉइंट दें से और दूसरा पॉइंट दें, दो मरतबा एंटर कर दें, आपके पास ये सिंपल शेप बनी आएगी। मैं वायर व्यू में जाता हूं यहां पे। अब देखें सामने वाली साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बाय डिफॉल्ट ये 6 बनाएगा, तो ये आपके पास सर्फ टैप 1 है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, बीच वाले गैप कितने हैं, ये भी आपके पास 6 है, लेकिन लाइनें गिने कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 लाइंस है, यानी कि ये मिडिल वाले आप पॉइंट्स गिनेंगे। तो ये भी आपके पास कितने हैं, 6 इधर हैं, 6 इधर हैं। ये जो उस वाई की तरफ जा रहे हैं ये सब टाइप 2 होंगे, जो सामने वाली तरफ आ रहे हैं ये आपके पास सब टाइप 1 होंगे। तो मैं इसको मूव कर देता हूं आगे ही जाना, और अब मैं इन सरफेस को बढ़ाता हूं। ये सरफेस जितने ज्यादा होंगे उतनी हमारी ड्राइंग की उतनी हमारे ड्राइंग का जो कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा होगी, और उतनी इसके अंदर ज्यादा लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि सरफेस बढ़ाने से आपकी लाइन, यानी कि अगर पहले 1 MB की थी, आपने सरफेस बढ़ाए हैं, शायद वो 5 MB की बन जाए, शायद वो 50 MB की बन जाए। तो ये चीज होती है सरफेस को काम किया ज्यादा करने से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, surftab सर्फ टैप 1, surftab सर्फ टैप और 1 टाइप करें। कहता है इंटर न्यू वैल्यू फॉर सब टैप 1, तो मैंने इसको दे दिया 16 की वैल्यू, देता हूं मैं से। अब यही पॉइंट्स हैं, सब कुछ यही है, कुछ भी मैंने और चेंजिंग नहीं की है। तो यहां पे देखें सब टैप 1 कितना आ चुका है, 16 आ चुका है, सब टैप 2 कितना है, 6 है। एक पॉइंट दें, दूसरा दें, एंटर और एंटर करते हैं। तो देखा अब ये आपके पास 16 कॉर्नर सामने लेकर आ चुके हैं। अगर आप बीच वाले गिने 1 2 3 4 5 6 ही है, लेकिन साइड्स वाले अगर आप गिने तो ये आपके पास पूरे के पूरे 16 निकलकर आपके साथ निकलकर आ जाएंगे। इसी तरह से मैं एक पॉली लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। अब ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे, F8 को मैंने ऑफ किया और एक क्लिक मैंने इधर कर दिया, आर्क लगा देता हूं एंटर करने से, और फिर मैंने इसको एंटर करके ये भी आर्क लगा दिया, ठीक है। अब आप ड्रॉ के अंदर चले, सरफेस के अंदर आ जाएं, रिवॉल्व सरफेस के अंदर, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, 0 to 360। तो देखें मेरे पास एक शेप बना हुआ आ गया। अब ये क्या है, मेरे पास जानी बेचानी शेप है आपकी, तो इसको सिलेक्शन दें। एक मैंने प्याला शेप बना डाली, तो मेरे पास ये बनी हुआ आ चुकी है। अब जब कोई चीज बन जाए इसको 90 पे लेकर आपको जाना होता है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन के अंदर बताया था। आप इसको मूव कर दें, मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D पे जाएंगे, आप इसको सिलेक्ट करें, एंटर कर दें। मैंने इसको एक पॉइंट दिया, माउस को आगे जाने पर लेकर गया, दूसरा पॉइंट दिया और मैंने इसको 90 एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने इसको 90 एंटर किया तो देखिए मेरे पास ये शेप बनी आ चुकी है, ठीक है। अब शेप तो परफेक्ट है, लेकिन यहां से देखें ये ऐसे नजर आ रही है जैसे कागज नुमा शेप होती है आपके पास। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एक ऑफसेट दे दें, मैं से यहाँ पर ऑफसेट देता हूँ कुछ इंचेस का, अपनी ड्राइंग के मुताबिक दीजिएगा। अगर आप ड्राइंग छोटी बना रहे हैं तो इंचेस का दें, अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो आप फिट्स भी दे सकते हैं। तो ये मैंने इसको एक लाइन इधर एक लाइन इधर लगा दी है, एक इधर और एक, देखिए लाइन उठाएं 1 2, मैंने दो पॉइंट्स को दे दिए हैं। अब बाउंड्री लगाएं, BOR बाउंड्री पिक करें, इसके मिडिल पे आ जाएं और इसके बिल्कुल मिडिल पे क्लिक करेंगे, एंटर कर दें। अब देखें आपके पास ये शेप बन चुकी है। ड्रॉ के अंदर चलें, सरफेस पे आ जाएं, रिवॉल्व सरफेस, ये शेप इधर 0 to 360 लेके जानी है आपने, तो मैं इसको उठा कर इधर ले आता हूं, ये यहाँ पे मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन रोटेट 3D, मैंने एक क्लिक किया दूसरा क्लिक किया और ये 90 की वैल्यू है, ये आपके पास शेप बनी आ चुकी। इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे, ये देखें अभी आपके पास, ये देखें यहां से क्या हुआ, उतनी हाइट्स लेकर थिकनेस लेकर आ चुके हैं अपने।
अब आप इसको अगर गोल भी कर दें तो इतना बुरा दिखाई नहीं देगा जितना बुरा आपके पास ये शेप दिखाई दे रही है। तो ये नहीं कि इस तरह से आप सरफेस के अंदर रहकर काम करते हैं। अब एक चीज़ रह गई है, जब आप ड्रॉ के अंदर जाते हो, सरफेस पे जाते हो, रिवॉल्व सरफेस पे जाते हो, आप इसको एक पॉइंट देते हो और दूसरा पॉइंट देते हो, कहते हैं स्टार्ट जीरो, डेफिनेटली एंड मैं कहता हूँ मुझे 180 पे चाहिए। अगर आप इसको 180 एंड दे देते हैं, जैसे इसको मैं एंटर करूंगा तो दियर स्टूडेंट्स देखें ये आधा मूव होगा, 180 तक इसने अपने आप को लेकर गया है, या जो भी आप इसे एंगल देना चाहेंगे उसी एंगल पे ये निकल कर चला जाएगा। इसी तरह से यहां पर जिस तरह की भी आप शेप बनाएंगे ये सेम टू सेम आपको वही रिजल्ट रिटर्न करेगा। मैं अगर यहां पर आ जाऊं, मैंने एक लाइन यहां पे एफेट करके लगा देता हूं और नीचे की जानब भी मैं कुछ ऐसा ही लगा देता हूं और मिडिल से यहां पे आ जाता हूं, ये है, और मैं आर्क लगाऊंगा यहां पे, ये मैंने आर्क लगा दी, और यहां से मैं एक और आर्क ले लेता हूं, ये, और इसको मैं थोड़ा सा अंदर की जानब ले जाता हूं यहां पे। तो देखिए आपके पास ये आ चुकी है, इसको आप डिलीट कर दें। इस तरह से आप इसको मिरर कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट को, इसको और इस ऑब्जेक्ट को, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और नीचे इस तरफ में से गया देता हूँ, मेरे पास ये है, ये मैंने इसको अब बाउंड्री लगा देता हूँ, बी ऑफ आर बाउंड्री। अब आप ड्रॉ के अंदर चलें, सरफेस पे चलें, रिवॉल्व सरफेस, ये पॉइंट है, इसको घुमाना था, देखिए इस पॉइंट को घुमाना था इसके 0 to 360, तो देखा, मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन, रोटेट 3D, सेलेक्ट, एंटर करें, इसे एक पॉइंट दे दें, माउस को आगे क्लिक कर दें जाके और 90 एंटर कर दें। तो जैसे आपने 90 एंटर किया डियर स्टूडेंट्स, तो देखा आपने आपके पास ये बिल्कुल ऑप्शन परफेक्ट सामने आपके आ चुकी है। तो रिवॉल्व सरफेस से बहुत कुछ बनाया जाता है और ये 3D का स्टार्ट भी है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको जरूरत इस बात की है स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करने की। अगर मैं आपको ये लेसन मैंने आपका लिया है 20 से 10 मिनट का, तो आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। याद रखें एक दिन में कोशिश करें इसी के ऊपर प्रैक्टिस करने की। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप सीख ठीक तरह से ना पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको सेफ्टी किट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप एक्सपी अकेडमी की तैयार करता DVDs परचेज करना चाहते हैं, जो कि AutoCAD के मुतालिक हैं, 3D Studio Max के मुतालिक है, इसके अलावा और वेब डिज़ाइनिंग, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास DVDs मौजूद हैं, या अगर आप हमसे मैप कलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमें xpacademy@ymail.com पर मेल कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343901779 पे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।